करने आई थी, बहुत अच्छे से कर दिया। अब अलमारी में बिगड़े हुए कपड़े देख युवराज भैया का दिमाग भी बिगड़ जाएगा और फिर होगा तमाशा। रमेश जी भैया, तू पूरा दिन सिर्फ किचन संभालेगा? अरे नहीं भैया, आपो की तो कमरा की जिम्मेदारी ली है ना। तू मेरी कमर कैसे खराब हुई? सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, तू करता क्या पूरे दिन? रिलैक्स युवराज, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे इस गुड फॉर नथिंग ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। एक मिनट, ये लो, तुम पहले जूस पियो और अपने दिमाग को ठंडा करो। मैं रमेश से कहकर तुम्हारी कब्र ठीक करवा दूंगी। नहीं, इट्स फाइन, मैं मैनेज कर लूंगा। हम हुक्म देने के लिए, काम करने के लिए नहीं। सौम्या ने इतने प्यार से बनाया है बेटा, पी लो फिर बात करेंगे। दादी मैं पी लो, चलो। I'll keep it. Thank you. दादी मैं स्नूपी को लेकर वॉक पे जा रहा हूँ। तुम्हारे आने तक तुम्हारी अलमारी ठीक मिलेगी तुम्हें। थैंक यू। वैसे तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमें खुशी हो रही है देखकर। अब जो रिश्ता ना तुम्हारे मन में है और ना ही जिंदगी में, उसे गले में सजा कर क्या फायदा? अच्छा किया जो हटा दिया मंगलसूत्र को। मैंने भी यही सोचा दादी, और उस पूरे अतीत से निकलने में आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर आप नहीं होते ना तो शायद मैं बिखर जाती। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हमारा एक काम और करना पड़ेगा। कहो ना दादी, मैं छोटा बड़ा हर काम करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। युवराज की अलमारी ठीक कर दो प्लीज। हम रमेश से भी करवा सकते थे, लेकिन रमेश तुम्हारे जितना अच्छा थोड़ी करेगा, है ना? ओके दादी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। थैंक यू। जब मैं दिल्ली गया वो गिफ्ट लेने, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी पसंद थी। हर दिन हर रोज मैंने एक नया बहाना बनाया ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। सौम्या, जस्ट फॉर यू। इसे कहते हैं शायद किस्मत का खेल कि हार जो युवराज ने मेरे लिए खरीदा, मैंने इसे छोड़कर कृष्णा के रिश्ते का फंदा अपने गले में डाल दिया, जहां हर रोज बस मेरा दम ही घुटता है। सच में पागल थी मैं, बहुत बड़ी पागल। Thank you.
खानी, मैं बस वो देख रही थी। सौम्या, पर तुम यहाँ? एक्चुअली वो मैं, और ये पर्दे, वो मुझे दादी ने कहा मुझे, इसीलिए मैंने। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। भले हमें हल्के रंग पसंद है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि तुझे हल्के रंग पसंद है, लेकिन ये कलर दादी ने सिलेक्ट किया और उन्होंने ही मुझे कहा यहाँ आने को। हाँ सोमू, तो तुम हमें क्यों बता रही हो? और वैसे भी हमने तुमसे पहले भी कहा है कि जो हमारा है वो तुम्हारा है। बस अजीब तो ये लग रहा है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? और हम इतने दिनों बाद घर आए, तुम हमको देखकर खुशी नहीं हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं सुहानी, वो एक्चुअली मुझे दादी ने कहा था युवराज की कबर्ड अरेंज करने के लिए। अब युवराज को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है ना, तो उसी को लेकर टेंस्ड हूँ थोड़ा। सुहानी, तुमने युवराज की अलमारी खोली? वो मैंने नहीं, मुझे दादी ने कहा था। तू चाहिए तो चल के उनसे पूछ सकती है। हम किसी से क्यों पूछे सौम्या? हम तो तुम्हें इसलिए बता रहे क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी पर्सनल चीजों को कोई हाथ लगाए। वो आते साथ एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा, उसे पता चलेगा तो फिर से आग बबूला हो जाएगा कि उसकी अलमारी बिखेर दी। सौम्या, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अब आ गए हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, अगर इस बीच युवराज आ जाएगा ना, तो तुम बोल देना कि दादी ने कहा था, तो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? दादी ने कहा था इसलिए वो। Not bad. कपड़े तो बड़ी अच्छी तरह असेंबल हुए। Nice. Thank God. सोमू भी ना बिल्कुल हर काम में तुम्हारे जैसी ही है, एकदम अप टू डेट मेंटेन। इसीलिए तो बिजी रहती है पूरा दिन ये। और हमें तो ये लगा था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि सोमू ने तुम्हारी अलमारी छुई, तो कहीं तुम भड़क ना जाओ। और तुम्हें पता है, सोमू भी डर गई थी। और तो और, इन मैडम को तो ये भी लगा था कि इन्होंने हमारे हार को हाथ लगाया है, तो हम भी भड़क जाएंगे। तो बस कमरे में हम जैसे ही घुसे, मैडम सफाई के ऊपर सफाई देने लग गई। अब तुम ही समझाओ इसे कि कितनी इंपॉर्टेंट है सोमू रानी हमारी लाइफ में, और कितना रोए थे हम इसके लिए तुम्हारे आगे, और ये पागल हमें ही सॉरी बोल रही है। सुहानी, अपनी चीजें यहाँ वहां रखना छोड़ दो, और तुमसे अपनी जुड़ी तो संभाली जाती नहीं, घर क्या संभालोगी? मतलब अब तक दिमाग गर्म है, हमें लेकर गुस्सा शांत नहीं हुआ? ऐसी बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, आई एम श्योर शाम तक युवराज भी नॉर्मल हो जाएगा, तू अभी आराम कर।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।